तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर मैं चाहूँ सुन जिस टाइम गेम में पता फ्रेंड्स आज की सैलोड मैं आपको बताने वाला बेस्ट वेज टू रैंक पुश इन फ्री फायर। मतलब मैं कई सारे नहीं बताऊँगा, कुछ ही बताऊँगा जिनसे आप मतलब इजीली रैंक पुश कर सकते हैं अपनी फ्री फायर में। तो ये मैं क्लास स्क्वाड के ऊपर नहीं, ये रैंक गेम के ऊपर बना रहा हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक आप लोग को करनी चाह रही थी, मैं बरमूडा पे दिखा देता हूँ, बरमूडा मैप में। तो पहले हम लोग अपना एक मैच स्टार्ट कर लेते, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ, मतलब आया नहीं आप लोग के लिए, तो वहीं से शुरू होगी वीडियो। बट यहाँ पे मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ। एंड आप लोग को सिंपली यहाँ पे करना क्या है, चाहे बाउंटी टोकन ले लेना, आपको बहुत ही ओपी तरीका है, आप लोग बाउंटी टोकन लगा लीजिएगा ताकि आप लोग नीचे जाते किसी को भी किल कर सकें। एंड ये आप लोग को भीम शक्ति पे एक ये गोल गोल एरिया दिख रहा होगा, ये असल में एक बहुत बड़ा टावर टाइप का है और बहुत ही ओपी जगह होती है रैंक पुशिंग की। आप लोग को करना क्या, सिंपली इजेक्ट पे कर देना है। आजकल मैं देखते दो तीन बंदे यहाँ पे आ भी जाते हैं, बट वहाँ पे आप लोग को गन्स नहीं दी जाती, तो आप लोग को सिंपली फिस्ट से लड़ना होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ का ये कि बाउंटी टोकन लगाइए, एंड अगर कोई और आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली ला लीजिए। एंड आप लोग को सिंपली पैराशूट ओपन कर देना, ये मैं बरमूडा में कर रहा हूँ तभी कोई नहीं आ रहा, रैंक में आते यहाँ पे आप लोग को आ जाना है। एंड सिंपली यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना है जब तक आप लोग पर जोन ना आ जाए, मतलब ब्लू जोन में आप लोग चले ना जाएं, तब तक आप लोग को यहाँ पे इंतज़ार करते रहना है। यहाँ पे कोई आप लोग को मार नहीं सकता, सिवाय इन बंदों के, लाके आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है। एंड इधर से इसका मुक्का मेरा मिस हो गया, एंड आप लोग देख सकते हैं एलिमिनेट हो जाएगा सिंपली नीचे गिर के। तो ओके, तो आई थिंक ये बच गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से गिरने पे एलिमिनेट हो जाते, तो क्यों यहाँ से चढ़े ही, तो आप लोग को बाहर की साइड, इस साइड नहीं कूदना जिधर मैं फेस कर रहा हूँ, आप लोग को अंदर की साइड कूदना है। तो मैं दिखाता हूँ इससे होता क्या है। आप लोग देख सकते हो 10 KHP आप लोग की बच जाती है, चाहे जहाँ से आप लोग मतलब बाहर की साइड से आप लोग चाहे जहाँ से कूदे, आप लोग की 10 KHP बच जाती। नीचे आप लोग को काफ़ी मतलब तगड़ी सी लूट मिल जाती है, अगर बंदा नहीं आए तो आप लोग इजीली यहाँ पे लूट मचा सकते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लूट भी अच्छी खासी, लॉन्ग एंड क्लोज रेंज वेपन मिल चुके हैं, साथ ही साथ HP बस आप लोग की कम है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली अलाइव रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बस फॉल डैमेज को अवॉइड करना है काफ़ी ज़्यादा। एंड वेल, सामने बंदा था बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस यार, हम लोग की टिप नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैच शुरू हो चुका है। तो टिप नंबर 2 है, आप लोग जब भी रैंक गेम खेलें तो जहाँ से प्लेन गुजरता है, लाइक आप लोग देख सकते हो पोचिनॉक की साइड से होता हुआ जा रहा है, तो आप लोग उससे बहुत दूर जो लोकेशन है जहाँ पे आप लोग पहुँच सकते हैं, लाइक यहाँ पोचिनॉक से बहुत दूर आप लोग का पीक पड़ जाता है, बट वहाँ कई बंदे आएंगे, बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि बंदे आए, तो आप लोग लाइक हंगार जा सकते हैं। यहाँ से हंगार तक क्लोज ही भीम शक्ति गए सर, यहाँ पे बहुत ही कम बंदे आते, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे जहाँ पे भी प्लेन जाए आप लोग सिंपली वहाँ से दूर ही जाओ, तो वहाँ पे मतलब कोई बंदा आएगा नहीं, सोलो क्लोज में जल्दी से लैंड कर जाएंगे। एंड आप लोग दूर जब रहेंगे आप लोग इजिली वहाँ से ग्लूवॉल्स एंड गन्स उठा सकते हैं, वेस्ट हेलमेट, एंड साथ ही साथ आप लोग इजिली यहाँ पे आके बंदों को आगे जहाँ से प्लेन गया वहाँ पे तो बंदे रहेंगे, आप लोग वहाँ पे आके चाहे रश करें चाहे रैंक पुश करें, बट जब तक आप लोग यहाँ लूट वूट करेंगे तब तक आप लोग आई थिंक टॉप 20 में तो आ ही जाएंगे। एंड यहाँ से लाइक आप लोग देख सकते हैं कोई भी बंदा इस समय यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि प्लेन फैक्ट्री और पोचिनॉक की साइड से गई, तो मैक्सिमम बंदे तो फैक्ट्री या पोचिनॉक ही गए होंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ पे लूट भी मचा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लोग मतलब टीम के साथ आते हैं तो भी हो सकता है आप लोग आराम से यहाँ पे जीत ले पूरा मैच, क्योंकि कई बार मैं ऐसे ही इसी ट्रिक से भुया भी निकाल चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी बंदा नहीं, फ्री आप लोग हैं पूरा, चाहे आप लोग लूट मचाए चाहे जो करें यहाँ पे, हाँ देख सकते हैं आप लोग पूरा मैदान खाली है। एंड यहाँ पे बहुत ही इसी दोनों टिप्स के साथ आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे कोई भी मैच में मतलब फर्स्ट आने के लिए आप लोग को, अगर आप लोग के पास स्किल्स बहुत अच्छी तो डेफिनेटली आप लोग इस टिप्स से तो फर्स्ट आ जाएंगे, मतलब काफ़ी देर तक आप लोग रैंक पुश करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही बंदे आएंगे आप लोग ईजिली उनको मार सकते हैं। एंड अगर आप लोग नहीं भी एकदम बुया निकाल पाते तो भी उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग कई अच्छी रैंक ला देंगे, जैसे कि आप लोग टॉप 10 में भी हो सकता आ जाए या उससे भी ऊपर आ जाएं, एंड टॉप 20 तक आप लोग आ जाएंगे तो भी हो सकता है आप लोग की रैंक बढ़े। गाइस यार, ये थी हमारी टिप नंबर 2।
तो गाइज यार आज की सारी वीडियो में बस दो ही टिप्स थी, मैं नेक्स्ट टाइम और भी थोड़ी टिप्स मतलब यहाँ पे अपने आप से ढूंढ लूँगा। तो ये आज की टिप्स थी, तो आप लोग को अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे फ्री फायर में आप लोग ट्राई करके, अगर आप लोग के हेल्पफुल पड़े तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अगर आप लोग के हेल्पफुल पड़े तो ना करिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों की हेल्पफुल है ये ट्रिक और कितने की नहीं। तो मैं मिलता हूँ आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।